हर तरफ से संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम गुरपाल सिंह, मैं एक पिंड रहने वाला हाँ और मेरा इन्ने बड़े परिवार चों भी नहीं सी, मैं छोटे जे परिवार च जन्म लिया ते और बाप दे नाल साथ दिंदा रहा, पर जब मैं पढ़दा ही सी तो मेरे शौक बहुत उच्चे सी भी मैं बड़े काम करने, तो मैं पढ़ाई ज़्यादा करनी। वैसे हुण भी मैं ग्रेजुएट हाँ, मैं बाप जब मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा सी तद घर दे विच कल्ला बाप कमाउण वाला सी, वो बीमार बहुत हो गया, तो तद तो मैं बाप का बिजनेस, बाप मेरा एक मिस्त्री का काम करता सी, ठेकेदारी करते सी, तो मैं उन्होंने हाथ वडाउण लगा, तो काम करते करते बस वो चलता गया चलता गया। इस तरह मेरी लाइफ दे विच मापिया की सेवा करना एक मेरा धर्म बनया सी, सच्चाई सफाई इस तरह सी ते वो बहुत ज़्यादा, तो मैं जो भी कुछ कहिंदा सी वो पूरा हो जाता सी। तो मेरे अंदर विच एक इस तरह का सी कि मैं कुछ भी कर सकदा, परमात्मा पता नहीं मेरी किस तरह सुन रहा, मैं कोई भी काम चाहुंदा सी, कभी कोई काम अड़दा नहीं सी, घर भी अगे नालों तरक्की करन लगा। तो अचानक मेरे बदलाव यह आया कि जो मैं सोचना वो होण नहीं लगा, क्योंकि मैं तो सोचता सी मैं बाहर जाऊँगा, तो फिर बाहर मेरा वीज़ा नहीं सी मैं मिल रहा और मैं मन ही मन बहुत दुखी होया। तो जो मेरा कारण ज्ञान विच आउण दा वो ये होया कि मेरे परिवार विच इदां दीआं परिस्थितियां आईआं कि मैं सच बोलण वाले बंदे नूं सच्चाई दिसणों हट गई, तो मैं सोचण लगा कि तू परमात्मा इत्थे जीण दा फायदा की आ, परमात्मा तू है कित्थे आ, एक बारी मैनू मिल, मैं दुनिया विच रहना नहीं चाहुंदा, मैं दुनिया छड्ड देणी। तो पता नहीं किस तरह होया कि मैं मैनू ये नहीं सी पता कि परमात्मा कित्थों मिलू, मैं राधा स्वामी दे गया तो मैं दिव्या ज्योति दे गया, मैनू कुछ तसली नहीं हुई, बहुत कोशिश के बाद भी मैनू तसली नहीं हुई। तो मेरिया भैणा जो अज तो 35 साल पहलां दीआं ज्ञान विच चल रही, तो उन्होंने मैनू दस्या सी कि ब्रह्मा कुमारी एक संस्था जिहदे नाल असीं जिहदे विच जाणदे हां, उन्होंने मैनू जदों गल दसणी कि 84 लाख जूना मैं उन्होंने पिंड विच रहण दे कारण मैं कीर्तन चों सुणिया सी कि 84 लाख जूना तो बाद इंसान का जन्म हुंदा, मैं उन्होंने इस तरह कहना, उन्होंने मैनू 84 जन्म की कहानी दसी, वो मेरे माइंड विच छपी हुई सी कि मैं वो जरूर देखना कि 84 जन्म की कहानी कहण वालियां मेरिया भैणा, मैं उत्थों परमात्मा नूं मिलना। हुण मैं लभदे लभदे मैं परमात्मा नूं कहा भी हुण तू मेरी सुणदा तां है नहीं, पर तू जिथे भी है, तू इंग्लैंड विच आ, मैं इंग्लैंड विच आण के तैनूं मिलना चाहुंदा। तुरंत कारण बनिया कि मैनूं इंग्लैंड दा वीज़ा दे दिता 2010 विच, मैं 2010 विच गया भी मैं इंग्लैंड चों वापस कभी आना नहीं सी चाहुंदा, पर मैं वायदा कर लिया उहदे नाल, क्योंकि सच्चाई सफाई मेरे अंदर इन्नी सी, मैं जो वायदा करता सी पूरा करता सी, परमात्मा नूं कहा भी मैं तैनूं मिलना चाहुंदा, मैं हुण रहना नहीं। तद अचानक 1-2 महीने च पासपोर्ट बनाया और मैं इंग्लैंड चले गया। लंडन तो जाके मैं यह ज्ञान प्राप्त किया और मेरे को मालूम यह होने लगा कि जदों मैं हजे सत्ते लैसन कर रहा सी, तो उहदे विच जिहड़ा सीढ़ी का चित्र आया तो उहदे विच भारत का नक्शा सी, दीदी ये भारत का नक्शा क्यों आ, तो उन्होंने कहा कि बाप की अवतरण भूमि जिहड़ी भारत ही है, तो मैनूं फकर होया भारत विच रहण दा, तद तों मैं फैसला कर लिया मैं वापस जाके मैं एक बारी बाबा नूं मिलना जरूर आ। उत्थे दा मेरा अपना अनुभव है कि मैं देखना चाहुंदा सी कि जिस तन दे विच स्वयं परमात्मा आण के दस दे, मैं तन दे दर्शन किद्दां एडी जल्दी करां। ते 15 दिनां दे विच दादी गुलजार दा लंडन जाना होया, जिहड़े मैनूं उत्थे मिले और मैं उन्हां नूं बहुत नज़दीक तों देखिया, उन्हां तों टोली लई, तां मेरे मन नूं तसल्ली होई देख के भी एक सधारण देखो तन विच परमात्मा आ रहा, विश्वास बहुत परमात्मा ते होया कि यही सही परमात्मा सच यही है।
पहला तो मैं तुम देख नहीं सकिया ब्रह्मा बाबा का, लेकिन गुरदास जी ने पूरी तरह देख के उन्होंने लौकिक शरीर में बहुत तसली हुई। दादी जानकी उत्थे मैनू आमणों सामने मिले एक प्रोग्राम ते, तो मेरी बहुत तसली हुई कि मैं जो चाहना आ मेरा फिर उस तरह होने लग पाया। तो मैं 40 दिन तो बाद वापस आन के ऐसे स्थान पर जिथे मैं फलौर बैठा, क्योंकि परमात्मा लभदा लभदा कि मैं उत्थे 40 दिन तो मुरली सुनी हाँ, लेकिन मैं हुण मुरली सुनागा कित्थों। फिर मैनू फलौर का जो उत्थों ही एड्रैस पता लगा कि फलौर है अपना सेंटर एक, तो सेंटर ते पहुँच के इत्थे दीदी इत्थे बड़े दीदी राज भैन नहीं सी, एक छोटी भैन सी जो इस वेले अपरे है। उन्होंने मैनू कहा कि दीदी हुण माउंट आबू गए, वो तुहानू फिर एक दो दिन च मिलणगे, तो तुहाडे लागे नकोदर शहर आ जो मेरे तो 9 किलोमीटर से है, उत्थे भी सेंटर है अपना, गीता पाठशाला चलती है। मैं उत्थे पहुँच गया, तद तो लैके 12 साल हो गए मैं लगातार बाबा दे घर जाके मुरली भी सुनदा, और मैं बाबा मिलन च ज्यों 11 तो लैके 12 तक मैनू पक्का तो याद नहीं, शायद मैं 9 या 10 बार मिलन बाबा मिलन च जा चुका। 2 या 3 साल नहीं गया, कुछ लॉकडाउन की वजह ना कुछ, मेरे बच्चे मेरे 4 बेटे आ उन्हां चों 3 ही ज्ञान च चलदे आ, उन्हां नूं भेजण की खातर मैं पिछे रह जांदा सी, तुसीं बाबा मिलन च जाके आओ। तो मेरा मैं बाबा दे अनुभव इस तरह मेरे कि मैं 19 विच गया तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं इन्ना मददगार हाँ कि जदों भी कितने कोई परिस्थिति लोड़ पवे दिल तो याद करके कहना मेरे बाबा मेरे मददगार साथी आ जा। तो मैं अपना ये तजर्बा मेरे जदों मेरे परिस्थिति मेरे तो बड़ी जबरदस्त आई तो मैं तुरंत बाबा ने इस तरह याद करके कहा तू जिहड़ा काम नहीं हो सकता सी, मैं समझदा सी कि नामुमकिन ये नहीं होगा, लेकिन वो तुरंत कुछ घंटिया दे विच हल हो के जो बंदे उल्ट सी सोचते वो मेरे वल नू साथ करके पता नहीं किदां वो अपने आप परिस्थिति दूर हो गए। ये बाबा कहिंदा सी अनुभवां दी अथॉरिटी बनो, मेरे ये अनुभव इस तरह के अनुभव तो पिछे मेरे 8-10 आ सारे, मैं हुण शेयर तो कर नहीं सकता, बहुत मेरे अनुभव आ। तो मैं बाबा दी मुरली रैगूलर सुनदा, जो मेरे संस्कार सी पहले बहुत अड़ियल चलदा सी, सब लोग मेरे तो डरदे सी, और मैं सोचदा सी कि मैं हुण जदों नरम हो जाऊँगा, बाबा निम्रता कहिंदे ते उन्होंने मेरे ते चढ़ाई करनी, उस चढ़ाई दे विच उन्हां दी परिस्थिति दा मैं अज मेरा साथी बाबा और मेरा साथ वो फिर उस तरह ही वो छोटा सोचते आ और मैं उस तरह बड़ा सोचदा। बाबा मेरा हर वक्त साथी आ, मैं रोज़ाना मुरली क्लास करन जाना और इन्ना प्यार है मुरली ना कि मुरली मेरा जीवन बन गया। किसी कारण अगर मैं मुरली नहीं सुनदा तो पता नहीं क्या दिल नूं की हो जाता कि नहीं मिलिया किस चीज़ की घाट आ। मैं मुरली दादी जानकी तो यह सुनया कि वह 12 बार मुरली पढ़ते सी, मैं लगभग मुरली नूं 5 बार तो पढ़ना ही हाँ, इस तो उपर मेरे तो जिन्ना भी टाइम होवे मैं कई बार 8-10 बार मुरली पढ़ के, और मैं हमेशा बाबा का संदेश याद रखदा। कहण दा भैणा दा बहुत बहुत धन्नवाद, मैनू हर तरह ना मेरिया सेंटरां दीआं भैणां इस वड्डे सेंटर तो फलौर तो भी वड्डे दीदी राज भैण का बड़ा सहयोग आ, मैं बहुत बहुत उन्हां दा आभारी, धन्नवाद।